इस वीडियो में बच्चों आपको जो प्रश्न बताए गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कक्षा 10वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-2022 एमपी बोर्ड का आपका जो पेपर है उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझिए, कॉपी में लिखिए और लिख करके इनको याद कीजिए, ये पेपर में आए हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं 29 नवंबर को आपका अर्धवार्षिक का पेपर है। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए स्पेशल क्वेश्चन आपकी स्पेशल डिमांड पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन अपन इसको करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए कौन सा अध्याय का क्वेश्चन है अपना। आपकी जो बुक कौन सी है, फुटप्रिंट्स विथाउट फीट है ना, आपकी बुक कौन सी है, फुटप्रिंट विथाउट फीट, उसका आपका अध्याय 5 और 5 पाठ का नाम भी आपका क्या है, फुटप्रिंट विथाउट फीट। इसमें क्या होता है कि एक वैज्ञानिक रहता है, वो वैज्ञानिक क्या करता है, एक आदमी के ऊपर परीक्षण करता है और उस आदमी के ऊपर कुछ दवाई वगैरह डाल करके उसको वो गायब कर देता है, है ना। फिर वो रहता तो है आदमी लेकिन किसी को दिखाई देता है क्या, किसी को दिखाई नहीं देता वो आदमी, और वो आदमी कुछ भी करता है, फिर कहीं चोरी कर रहा है, किसी घर में आग लगा दे रहा है, कोई दुकान को लूट ले रहा है, मिस्टर इंडिया बन गया वो, तो किसी को दिखाई दे रहा क्या, किसी को दिखाई दे रहा क्या, वो नहीं दे रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। इस अध्याय से कोई भी प्रश्न पूछे, अगर ग्रिफिन लिखा है, इनविजिबल मैन लिखा है, ऐसा आदमी जो अदृश्य हो गया है, तो समझ जाना कि वही वाले पाठ का है, फुटप्रिंट्स विथाउट फीट। फुटप्रिंट्स मतलब पद चिन्ह, विथाउट यानी बिना, फीट यानी पैर, पैर ही नहीं दिख रहे हैं, बिना पैर के लेकिन पद चिन्ह दिख रहा है। अब जहाँ जहाँ ग्रिफिन चलता जा रहा है उसके पैरों के निशान दिखाई पड़ते जा रहे हैं। आंसर आपको जे लिख करके जाना है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आए आंसर जे लिख करके आ जाना है ना। अब क्या कर लेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन यार 10 उत्याद करने बैठेंगे तो वो तो जमाना बीत जाएगा। तो हर एक अध्याय से अपन 2-2, 3-3 प्रश्न उत्तर याद कर लो, और उस अध्याय से अगर कोई प्रश्न आता है तो जो आंसर याद करे वही लिख के जाओ, है ना कि नहीं। तो देखिए बाकी जो आला आएगा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे और आना चाहिए। तो ग्रिफिन यानी ग्रिफिन, वाज यानी था, रेदर रेदर ए है ना, लाओलास पर्सन कमेंट, ये आया है क्या त्रैमासिक में, नहीं आया, देखो ना। तो ग्रिफिन था एक अराजक व्यक्ति था, लाओलास का मतलब होता है अराजक व्यक्ति था, अराजक मतलब जो अलग प्रकार के होते हैं ना, कभी भी सरक जा रहा है किसी के भी ऊपर, ऐसे रहते नहीं रहते हैं, तो इस टाइप के पर्सन था, कौन, कभी भी किसी के ऊपर सरक जाना, कभी भी कुछ भी जाना, तो उसको बन के बोलेंगे लाओलास, क्या बोलेंगे, लावलास पर्सन, लावलास पर्सन, कभी भी कुछ भी करना है ना। कई सारे टीचर भी ऐसे रहते, कभी सड़क जाए कोई ऊपर आए तूने ऐसा क्यों कर दिया रे, कई माँ सब लोग रहते हैं ना, है ना, उनको क्या बोलेंगे, लावलास पर्सन। ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखो उसका आंसर अच्छे समझना, अब भी पूछूंगा, यहीं याद होना चाहिए, ठीक है, यहीं पर याद होना चाहिए। ग्रिफिन यानी ग्रिफिन, वाज यानी था, ए यानी एक, लावलास मतलब अराजक पर्सन यानी व्यक्ति, ग्रिफिन एक अराजक व्यक्ति था, मैं बोलूँ ग्रिफिन वाज ए लावलास पर्सन, मेरे को याद हो गया। पहले हिंदी में अनुवाद करो और अनुवाद करने पर उसका अर्थ जान लो, हिंदी अनुवाद नहीं पता, गाइड में पूरा हिंदी में अनुवाद लिखा है, फिर उसको पढ़ो तो वैसे ही ईजी याद हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पेपर में लिख के आ सकते हो। बस पेपर में छोड़ के कुछ नहीं आना है, लिख के जरूर आना है, हर अध्याय के 2-2 क्वेश्चन याद कर लो, है ना, लेकिन वही लिख के जाओ, लेकिन लिख करके आओ, छोड़ के आना है क्या, नहीं आना है, ठीक है, मन से बना के लिख के आओ लेकिन लिख करके आओ। और अंग्रेजी में पास होना बेहद आसान है रे, दिक्कत की बात क्यों नहीं है, अनसीन पैसेज में फ्री के नंबर मिल जाएंगे, नोट्स एंड समरी में नंबर मिल रही है, बंडल ऑफ साइंस में नंबर मिल रही है, एप्लीकेशन में नंबर मिल रही है, अरे ऐसा रहता है, ठीक है, ठीक है। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, हिज यानी उसका, लैंड लॉर्ड का मतलब क्या होता है, मकान मालिक, डिसलाइक्ड यानी उसको पसंद नहीं करता था, ही मैंने उसको, हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मालिक उसको पसंद नहीं करता था, एंड यानी और, ट्राइड टू गेट रिड ऑफ हिम,
एंड यानी और ट्राइड यानी कोशिश करता था टू गेट रिड, रिड यानी बाहर करने के लिए, ऑफ ही मैंने उसको उसको मकान से बाहर भगाने के लिए प्रयास करता था। एंड इन रिवेंज, और इसका बदला लेने के लिए जैसे वो गायब हुआ कौन, ग्रिफिन है ना, ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन यानी ग्रिफिन ने सेट यानी लगा दिया, फायर यानी आग लगा दिया है ना, टू द हाउस एंड रन अवे, और भाग गया। उसका मकान मालिक बोलता था कि कब मेरे घर से बाहर निकले, बहुत नाराज रहता था। तो जैसे उसके पास जादू शक्ति आई और वह अदृश्य हुआ, उन्होंने मकान में आग लगा दिया और क्या हो गया, वहाँ से वो भाग गया। कौन भाग गया, ग्रिफिन, एंड रन अवे। ठीक है, आया समझ में। देखो, हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, हिज यानी उसका, लैंड लॉर्ड यानी मकान मालिक, डिसलाइक्ड यानी नापसंद, हिम यानी करता था, उसका मकान मालिक जो था, किसका मकान मालिक है, ग्रिफिन का मकान मालिक। अपने बच्चों में आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी तक आपने अंग्रेजी रट्टा लगाए होंगे, बोल बोल के आपने रटे होंगे ना, लेकिन अब इतनी मोटी गाइड रट लोगे क्या, नहीं रट पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहानी को समझिए, उसके हिंदी अनुवाद को समझिए, और हिंदी अनुवाद को समझ करके फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का प्रयास कीजिए और लिख करके देखिए, तो ही आप पूरा याद कर पाओगे। ये समझ जाओ, ग्रिफिन एक अराजक व्यक्ति था, ग्रिफिन बाज ए लावलास पर्सन है ना कि नहीं, फिर उसका उसका मकान मालिक उसको नापसंद करता था। अच्छा, हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, मैंने बोल दिया ना, बिना देखे बोला ना, मैंने क्यों बोल पाया, क्योंकि मैंने उसको पहले हिंदी अर्थ जान लिया, तो मैंने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। हिज लैंड लॉर्ड उसका मकान मालिक डिसलाइक्ड यानी नापसंद, ही मैंने उसको नापसंद करता था। तो अनुवाद के अनुसार आप पढ़ने का प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी याद करके आपको हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको मैं एक प्रकार से याद करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ और आपको IMP क्वेश्चन भी बता रहा हूँ ना। एंड यानी और ट्राई टू गेट रिड ऑफ हिम, ट्राई यानी कोशिश करता था, गेट रिड मतलब बाहर करने का, ऑफ हिम यानी उसको अपने मकान से बाहर भगाने का वो कई सारे क्या करता था, प्रयास करता था। एंड इन रिवेंज, और इसके रिवेंज करने के लिए मतलब इसी का बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन ने क्या सेट कर दिया, आग लगा दिया, टू द हाउस यानी घर में, एंड रन अवे और भाग गया, और क्या कर लिया, भाग गया। अब ग्रिफिन क्या हो गया भैया, गायब हो गया। लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो गायब हो गया, अब वो किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्हें जो कपड़े पहना वो तो दिखते होंगे, तो भागा कैसा होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, इसके बाद देखना, ही याने बहे, स्टोल याने क्या होता है, स्टोल याने होता है चोरी करना, चुराना, उसने चुरा लिया है ना। एंड याने और, रोब्ड पीपल, और लोगों को लूटा, आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, आफ्टर यानी बाद में, बिकमिंग यानी होने के बाद में, इनविजिबल मतलब अदृश्य, जैसे ग्रिफिन अदृश्य हुआ तो उसने लोगों को लूटना है ना, और लोगों और चोरी करना शुरू कर दिया। ही गेव हिमसेल्फ, ही यानी बह, गेव यानी दिया, हिमसेल्फ यानी खुद को, द प्लेजर यानी आनंद, उसने खुद के मजे लेना शुरू कर दिया, खुद को आनंद देना शुरू कर दिया। प्लेजर ऑफ क्लोथिंग इंटो द लंदन स्टोर, लंदन का जो स्टोर था वहाँ पर कपड़े पहन लिया और कपड़े का आनंद ले रहा है। वाह यार, इतने महंगे महंगे लाखों रुपए के कपड़े पहना हूँ मैंने, है ना कि नहीं। तुम सोच रहे हो तुमको मिल जाती है अदृश्य होने की शक्ति, तुम क्या करते, कहीं पर भी जाओ कुछ उठा करके लेके जाओ, कौन देख रहा। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल मतलब इनविजिबल होने के बाद उसने क्या करा, ही स्टोल मतलब उसने चोरी किया, एंड रोब्ड पीपल है ना रोब्ड पीपल का मतलब होता है उसने लूटपाट मचाई है ना। देखो, ही बेंट यानी गो का सेकेंड फॉर्म, गो यानी जाना, बेंट यानी गया, बह गया, टू ड्रू है ना ड्रूरी गया, वो एक जगह का नाम है ना, ड्रूरी गया, कहाँ गया वो, ड्रूरी गया। ही बेंट टू ड्रूरी, बे कहाँ चला गया, ड्रूरी चला गया है ना, ड्रूरी चला गया ड्रूरी लेन चला गया, नाम जगह का, कहाँ चला गया वो, ड्रूरी लेन। ही बेंट टू ड्रूरी लेन, वो कहाँ चला गया, ड्रूरी लेन चला गया।
बीच याने जहाँ पर, वास याने था, द सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर याने केंद्र, ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का मतलब जो होता है टीवी देखने की जो थिएटर की जो दुनिया होती है, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होते हैं जिसके अंदर जाने की फीस हजारों रुपए रहती है, हजारों डॉलर रहती है, वो तो अदृश्य हो गया था। उनने बोला अपन साला 70 रुपये तो अपन कमा नहीं सकते, फ्री तो फ्री में चले गए और पिक्चर देख के आ गए, है ना कि नहीं? ऐसा काम, कपड़े भी पहन लिए, पिक्चर भी देख लिए, किन ने? ग्रिफिन ने, है ना कि नहीं? ग्रिफिन ने, ठीक है। ही वेंट यानी वह गया टू ए सुटेबल शॉप, सुटेबल मतलब एक अच्छी सी सुटेबल शॉप यानी दुकान, सुटेबल दुकान में गया। ही यानी वह वेंट यानी गया टू ए सुटेबल शॉप मतलब एक अच्छी दुकान में गया, एंड यानी और, के मैंने वापस आया आउट वियरिंग वेंडेस, बहुत सारे कपड़े चुरा लिया, है ना। डार्क ग्लासेस मतलब काला चश्मा चुरा लिया, काला चश्मा पहन लिया जनान, है ना कि नहीं? है ना, फाल्स नोस, नकली नाक, एक नकली नाक आती होगी लगाने वाली, उसको जनान लगा ली और एक्शन मारते घूम रहा है ना, नकली नाक, है ना। बिस्कर्ष एंड ए लार्ज हार्ट, है ना। इतने सारे सामान उठा करके उसने लेकर के आ गया, तो ऐसा चोरी करा उसने, तो इसलिए वो क्या था, एक प्रकार का अराजक व्यक्ति था। कौन था? ग्रिफिन। इतना बनेगा कि नहीं बनेगा पहले मुझे बताइए ये। अब ग्रिफिन अदृश्य कैसे हुआ? ग्रिफिन अदृश्य नहीं था, एक वैज्ञानिक जो था, वैज्ञानिक ने उसके ऊपर प्रयोग करा, कुछ लिक्विड वगैरह डाल दिया होगा तो वह अदृश्य हो गया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से उठ करके आता है, वाई डज यानी क्यों डज यानी किया मिस्टर हॉल, जो मिस्टर जो हॉल थी, फाइंड द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट था उसको इसेंट्रिक क्यों कहा? इसेंट्रिक का मतलब होता सनकी, वैज्ञानिक को सनकी क्यों कहा गया? जो वैज्ञानिक था, कौन सा वैज्ञानिक? जिस वैज्ञानिक ने ग्रिफिन को कर दिया था अदृश्य कर दिया था, उसको उन्होंने सनकी क्यों कहा? किसको? वाई डस मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, वैज्ञानिक को सनकी क्यों कहा गया? तो देखिए प्लस का हिंदी अनुवाद समझ लीजिए, सर्दियों में एक सराय में एक अजनबी का आना किसी भी तरह एक असामान्य घटना थी। अगर सर्दी के समय एकदम से कोई अजनबी जाए, है ना, अजनबी की भी एक असामान्य उपस्थिति थी। श्रीमती हाल ने उससे दोस्ती करने का हर संभव प्रयास किया, मगर ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और उसने कह दिया कि उसको सिर्फ एकांत चाहिए। इन सभी कारणों से वह उसे एक सनकी वैज्ञानिक मानती थी। ग्रिफिन एक क्या था? सनकी वैज्ञानिक था, कुछ भी प्रयोग करके खुद को क्या कर लिया, उसने गायब कर लिया। तो देखिए द अराइवल का मतलब होता है पहुंचना, ऑफ ए स्ट्रेंजर, ऑफ यानी का, ए यानी एक, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, एकदम से किसी अजनबी का आ जाना। एट एन इन ए विंटर, विंटर मतलब सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जहाँ इंग्लैंड में इतनी बर्फ़ जमी रहती, किवाड़ खोल लोगे वहाँ पे तो बर्फ़ गिर जाएगी घर के अंदर, ठीक है, कार जो रहती पूरी बर्फ़ में डूब जाती है। ऐसे मौसम में अगर कोई मतलब अपने भारत में रात के 2 बजे अगर कोई तुम्हारे घर पे आ जाए तो एक अजब सा लगेगा, नहीं लगेगा ये कौन है साला रात के 2 बजे आ गया घर में, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। तो बेसिक विंटर में अचानक कौन आ गया? एक स्ट्रेंजर आ गया मतलब एक अजनबी, अराइवल मतलब पहुंच गया। वाज याने था, एनी याने कोई, केज अनयूजुअल इवेंट, अनयूजुअल मतलब असामान्य, इवेंट यानी घटना, ये एक असामान्य घटना थी, है ना कि नहीं? कि एकदम से कोई अजनबी घर में दरवाजा ठोकरा, दरवाजा खोलो करके, है ना, ये क्या थी? असामान्य घटना थी, अनयूजुअल इवेंट था, है ना कि नहीं? द स्ट्रेंजर आल्सो हैड ए अनकॉमन है ना एप्रियंस, और जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, आलसो यानी भी था, हेड एन अनकॉमन मतलब अनकॉमन था, कैसा था वो? अनकॉमन मतलब अनकॉमन तरीके से आया। और तुमने घर के अंदर देखे, तुमको एक अजीब आदमी देखो, तुमने सर गेट तो मैंने खोला नहीं हूँ, ये कहाँ से आ गए घर के, है ना कि नहीं? तुमको घर के अंदर दिख गया वो, है ना, असामान्य तरीके से उपस्थित था। मिस्टर हॉल, जो मिस्टर हॉल थी बेचारी, जो लड़की थी मिस्टर हॉल, है ना, मिस्टर, हाँ मिसेस हॉल, है ना, सॉरी मिसेस हॉल जो थी, मेड यानी बनाई, एवरी एफर्ट, एवरी मतलब हर संभव, एवरी मतलब हर संभव
एफोर्ट याने होता है प्रयास की, उन्होंने हर संभव प्रयास की टू बी फ्रेंडली, ताकि वो ग्रिफिन से फ्रेंडली हो जाए, दोस्ती कर ले। एक तो खुद वो अपने घर पे आया, पता नहीं कहाँ से आके टपक गया, और दोस्ती भी अपन को करना पड़ रहा है, गलत बात है, है ना कि नहीं। एफोर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर संभव प्रयास करे उससे उसका फ्रेंड बनने की, कि जो मेरा दोस्त बन जाए। बट याने किंतु ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, ग्रिफिन हैड नो डिजायर, उसकी कोई डिजायर ही नहीं थी, उसकी इच्छा ही नहीं थी टू टॉक यानी बात करने की, वो बात ही नहीं कर रहा था, है ना। एंड ही टोल्ड हर डेट, एंड यानी और, ही यानी उसने, टोल्ड यानी कहा, हर डेट बह चाहता है कि, ही वांटेड यानी बह, ही यानी बह, वांटेड यानी चाहता है कि, वाज सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, सोलिट्यूड का मतलब क्या होता है एकांत, मैं एकांत चाहता हूँ, मुझसे बात मत करो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। कई बार ऐसा होता नहीं कि अपन यार कहीं परेशान है और कोई आकर चबड़ चबड़ कर रहा है, ऐसी इच्छा होती दो चार रेप्टाइल आके जमा दो बिल्कुल, है ना कि नहीं। एक तो बेसिक परेशान है आदमी और बात करा जा रहा है कोई सामने वाला, तो फिर दिमाग खराब होता है ना कि नहीं, ऐसा रहता है ना सोलिट्यूड। या फिर कई बार किसी का फोन आ जाता है और कोई पकाते रहता है, तब भी बहुत जल्दी दिमाग क्या होता है खराब, अपन सोचते हैं कि यार कब फोन काटे कब फोन काटे, लेकिन मजबूरी में अपन बोल नहीं पाते, फोन काट दो करके सामने वाले बुरा लग जाएगा, ऐसा भी रहता है कई बार, है ना कि नहीं। सोलिट्यूड, ठीक है। उनने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, एकांत चाहिए, क्या चाहिए, एकांत। फॉर ऑल दिस रीजन, फॉर यानी के लिए, ऑल यानी सभी, दिस यानी यह, रीजन यानी इन सभी कारणों से, कारणों से, सी रिगार्डेड हिम अस एन, है ना, इसेंट्रिक, इसी कारण से उसको वो क्या लगा, सन की आदमी लगा, सन की साइंटिस्ट, उसको सन की वैज्ञानिक लगा, क्या सन की साइंटिस्ट है, क्या सन की वैज्ञानिक है, ना बात करना ना कुछ कर रहा है ना, ये नहीं ऐसा है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा दसवीं अंग्रेजी एमपी बोर्ड के लिए जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं, जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं, मुझे पता चला गया कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आए हैं, वो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा दसवीं अंग्रेजी, ये प्रश्न परीक्षा में आया है, तो जल्दी समझ लो, ठीक है। बुक कौन सी है, फुटप्रिंट विथआउट फीट, फुटप्रिंट विथआउट फीट वाली आपकी बुक है, और इसका अध्याय द नेकलेस, नेकलेस मतलब गले का हार, गले का हार, द नेकलेस वाला अध्याय के ये दो प्रश्न आपको पेपर में आए हैं, इनको जल्दी से याद कर लो, है ना, तीन तीन नंबर के, छह नंबर के आपका ही है ना। वाट काइंड, वाट यानी क्या, काइंड यानी प्रकार, ऑफ ए पर्सन इज मेमे लोइजेल के नाम इसका, है ना, इस मतलब मिस लोइजेल किस तरह की व्यक्ति है, किस तरह की औरत है, मतलब मिस लोइजेल कैसी लड़की है, अपन बोलते ना वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, ना कि नहीं। तो बेसिक मिस लोइजेल जो है वो किस प्रकार की लड़की है। वाई यानी क्यों, अच्छे समझना, इज यानी है, सी यानी बेह, ऑलवेज यानी हमेशा, अनहैप्पी यानी दुखी, और मिस लोइजेल हमेशा दुखी क्यों रहती है, तो देखो, मेमे लोइजेल बाज प्रिटी यंग लेडी, मतलब समझो, मेमे लोइजेल जो थी, बाज यानी थी, प्रिटी यानी बहुत सुंदर, अति रूपवान, ठीक है, यंग है ना, यंग मतलब यंग, है ना, लेडी यानी औरत, स्त्री थी, मेमे लोइजेल एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत स्त्री थी। बोर्न यानी उसका जन्म हुआ था, इन यानी में, ए यानी एक, फैमिली ऑफ क्लर्क, जो क्लर्क होता ना, क्लर्क का परिवार, वहां पर उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जन्म कहां पर हुआ था उसका, क्लर्क वाली फैमिली, मतलब थोड़ी पुअर फैमिली में जन्म हुआ था ना। शी यानी बह, फेल्ट यानी बात नहीं, फेल्ट यानी उसने महसूस किया, डेट यानी की, अब भी पूछूंगा, ठीक है। सी फेल्ट डेट, उसने महसूस किया कि सी वाज बोर्न, शी यानी बह, वाज यानी थी, बोर्न यानी जन्म, उसका जो जन्म हुआ है वो उसने महसूस किया कि मेरा जो जन्म हुआ है, फोर यानी के लिए, ऑल है ना डेलिकेट्स एंड लग्जरीज, उसने बोली कि मेरा जो जी भगवान ने मुझे बनाया है किसके लिए, विलासिता और ऐसो आराम, लग्जरी की जिंदगी जीने के लिए, है ना, है ना। लेकिन उसकी उसकी फैमिली कैसी थी, क्लर्क वाली थी, ठीक है ना। वट शी हैड टू लीव, किंतु उसे लीव यानी रहना पड़ रहा था, ए सिंपल एंड है ना कोम, है ना
है ना, कॉमर्शियल लाइफ, लेकिन वो सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन वो बहुत नाराज थी यार कि मेरे पास कई बार रहता ना पापा मेरे लिए लेके आओ, मेरे को पाँच लाख की ड्रेस खरीदना है ना कि नहीं, मुझे 50,000 की ड्रेस खरीदना है, पापा ला दो ना मेरे लिए, है ना कि नहीं, मामा ला दो ना, मामा ड्रेस ला दो मेरे लिए, है ना। बस अब बेचारी दुख हो गई, नहीं बेटा अभी नहीं ला सकते, मैं क्लर्क की नौकरी करता हूँ, मेरी महीने की पेमेंट आती है 30,000 रुपये, तो वो 50,000 की ड्रेस ला दो ना मेरे लिए, है ना ऐसी मतलब हम बात चलती थी। ठीक है ठीक है, देखो ना, तो देखो शी कम्प्लीटली डिसलाइक्ड, उसको पूरी तरह क्या हो गई, वो उसको ना खुश होने लगी कि मेरे घर वाले मेरी परीक्षा पूरी नहीं करते हैं पापा, है ना हर सरकमस्टेंस एंड थस सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, इसीलिए वो क्या थी, बहुत ज़्यादा नाखुश थी। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, अब किस नई समस्या ने श्रीमती लुइजेल को परेशान किया। देखो वाट फ्रेश प्रॉब्लम, अब वाट यानी क्या, फ्रेश यानी ताजी ताजी, प्रॉब्लम माने समस्या, नई नई समस्या, नाउ डिस्टर्ब मेमे लुइजेल, जो मेमे लुइजेल थी अब उसको कौन सी समस्या ने परेशान किया, तो उसका उत्तर समझना, पहले हिंदी में समझ लो। एक नई पोशाक खरीदने के बाद, अब उसने एक नई पोशाक खरीद ली है ना, अब उनके पास खुद को सजाने के लिए कोई गहना नहीं था, उन्होंने कहा कि वे अत्यधिक गरीब नजर आएगी, उनके पति ने सुझाव दिया कि उन्हें प्राकृतिक फूल पहन लेना चाहिए, मतलब फूल वगैरह पहन लेना चाहिए उसके पति ने कहा, ठीक है, लेकिन वे आश्वस्त नहीं हुए, उन्होंने किया कि अमीर महिलाओं के बीच दरिद्र हाव भाव होने से अपमानजनक लगेगा, है ना कि नहीं, इतने बड़े भाव पर जा रहा है, है ना, मतलब वो मतलब वो रहता है ना, है ना, तो देखिए ना बाट फ्रेश प्रॉब्लम, अब कौन सी नई समस्या ने उसको डिस्टर्ब किया, किसको, मेमे लुइजेल को, है ना। देखो आफ्टर बाइंग ए न्यू ड्रेस, उसके पति ने बेचारे ने ठीक है यार ड्रेस ले लो करके, है ना ठीक है ना, आफ्टर यानी बाद में, बाइंग यानी खरीदने के, ए न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस खरीदने के बाद, शी नाउ हेड जेवल, शी यानी वह अब किसकी डिमांड करने लगी, सी नाउ हेड जेवल, जेवल मतलब अब गहने की डिमांड करने लगी, टू एडोर्न हर सेल्फ विथ, उसके जो एडोर्न था, उसके जो हस्बैंड था, उससे उसने गहने की डिमांड करने लगी, सी सेड वुड हैव ए पॉवर्टी, सी यानी उसने, सेड ने कहा वुड हैव ए पॉवर्टी, मुझे और अच्छा दिखने के लिए स्ट्रिकन लुक, मुझे और अच्छे गहने चाहिए, स्ट्रिकन लुक मुझे चाहिए, ताकि मैं स्ट्रिकन लुक टाइप दिख सकूँ, है ना कि नहीं, ठीक है। हर हस्बैंड, उसका पति सजेस्ट ने सजेस्ट किया देट सी सुड, कि वह सुड यानी चाहिए वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कुछ प्राकृतिक फूल होगा, गुलाब वगैरह होगा, उसको यहाँ लगा लो, गुलाब की तरह दिखोगी, है ना कि नहीं, उसने उसको अच्छे से बहलाया फुसलाया, अरे गुलाब का हार पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो करके, है ना, अच्छे से उसने समझाया उसके पति ने, ठीक है ना। बट सी वॉज नॉट कन्विक्टेड, लेकिन वो फिर भी उससे कन्वेंस हुई क्या, नहीं हुई, उसने बोली मुझे गहना ही चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लड़कियाँ, समझना है ना, उसको अदर वे में मत लेना, बोलूँगी नहीं बोलूँ, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो जन्म से पहले, जो शादी होने तक अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहती है, शादी होने के बाद हस्बैंड पे डिपेंड होती है, और वो कभी जीवन में खुश नहीं हो पाती है। और कुछ लड़की ऐसी होती है जो खुद मेहनत करती है, खुद स्ट्रगल करती है, जी जान लगा करके पढ़ाई करती है, और खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है, और खुद अपने पैसों से कार खरीदती है, और उसमें अपनी फैमिली वालों को घुमाती है ना कि नहीं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं बता दूँ, कई लड़कियों को एग्जाम्पल देख के चौंक जाता हूँ मैं। एग्जाम्पल लो शिवानी पवार का, है ना कि नहीं, शिवानी पवार का एग्जाम्पल हो सबसे अच्छा, कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियन हो गई। कई सारी लड़की लोग कलेक्टर बन जाती, कई सारी लड़की लोग तहसीलदार बन जाती है, कई सारी लड़की लोग, तो आप दूसरों से लेने का मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि हम दूसरे से क्यों मांगे, हम दूसरे के पास क्यों भीख मांगे, क्यों हम किसी के पीछे भागे, है ना कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम खुद मेहनत करेंगे, हम खुद मेहनत करके हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, और अपने पैरों में खड़े होने के बाद अपने सपने हम खुद पूरे करेंगे, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो बुरा मत मानना, मैंने बोल दिया है ना जो मेरे अंदर था। ठीक, आज के लिए इतना ही, जाइए।